परी और जादुई ट्री। नेहा परी और उसकी माँ जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचा करती थी। उनके घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। एक दिन वह दोनों लकड़ियाँ काट रही थी, तभी उन्हें एक खतरनाक सियार दिखाई देता है। उसे देखकर वह दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और दोनों लकड़ियाँ वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाती हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? उस जंगल में तो सियार रहता है और मेरे ख्याल से और भी जानवर रहते होंगे, जैसे कि शेर। अब वापस से उस जंगल में जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हमें लकड़ियों के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। हम वहाँ नहीं जा सकते। बेटा, तू ठीक कहती है। हम चलकर मालिक से बात करते हैं। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? क्या उस जंगल में लकड़ी नहीं काटोगी? शायद तुम लोग ये बात नहीं जानती कि मैंने अभी अभी एक को नौकरी से निकाला है, वो भी उस जंगल में लकड़ी काटने से मना कर रहा था। तो अगर तुम लोग भी उस जंगल में लकड़ी नहीं काटना चाहती तो अभी के अभी नौकरी से निकल जाओ। आज के बाद काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करना चाहते, पर हम उस खतरनाक जंगल में लकड़ी नहीं काट पाएंगे। वहाँ तो हमारी जान को भी खतरा है। आजकल आसानी से पैसे कहाँ मिलते हैं, उसके लिए तो जान की बाजी तक लगानी पड़ती है। और फिर तुम्हारा काम तो फिर भी अच्छा है, तो तुम लोग सोचो तुम्हें क्या करना है। ठीक है मालिक, हम तैयार हैं। ठीक है, जाकर चुपचाप काम पर लग जाओ। दोनों वापस उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती हैं। माँ, हमें खतरनाक जानवरों से बचकर रहना होगा। इससे पहले हमें वो देखें, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर दोनों लकड़ियाँ काटने लगती हैं, तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है। माँ, ये कैसी आवाज थी? मुझे लगता है जंगली जानवर आने ही वाले होंगे। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वे दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं, तो दोनों के सामने वही सियार खड़ा हुआ था। माँ, ये तो हमें छोड़ेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? ये भगवान, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तभी उनके पीछे जो पेड़ था, वह पेड़ एक जादुई पेड़ के रूप में बदल जाता है और अपनी जादुई शक्ति से सियार को मार देता है। माँ, ये तो एक जादुई पेड़ है। हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। और तुम लोग इस जंगल को नष्ट क्यों कर रहे हो? हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। हमें अपना पेट भरने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ही गरीब हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हें आज के बाद पेड़ काटने की जरूरत नहीं। ये लो, ये जादुई सैंडल है और ये तुम्हारी सारी चाय पूरी करेंगी। तुम जब भी इनसे कुछ भी मांगोगी, फिर तुरंत ही तुम्हारे सामने होगा। आज के बाद तुम्हें पेड़ काटने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई सुनहरी गाय। सौम्या परी अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, इसीलिए सौम्या परी एक घर में काम करने के लिए जाया करती थी। वह सारा दिन उस घर में काम करती थी और बदले में उसकी मालकिन उसे रोज के 50 रुपए पकड़ा देती। बस इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन, मालकिन, मैंने सारे काम खत्म कर लिए हैं, तो अब मैं चलती हूँ। वो आपसे कुछ पूछना था। हाँ, जल्दी बोल, मेरे पास टाइम है। ये वो सुबह का खाना बचा हुआ है, तो क्या मैं उसे ले जा सकती हूँ? क्यों, यहाँ खाना मुफ्त में मिलता है क्या? यहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है, जो तू आएगी और ले जाएगी। तुझे काम के पैसे मिलते हैं ना, तो उसी में खुश रहे। ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना, तो तू इस काम से भी हाथ धो बैठेगी। नहीं नहीं मालकिन, आप मुझे काम से मत निकालिए, मैं जाती हूँ। दूसरे दिन जब सौम्या परी काम पर आ रही थी, तो वह देखती है कि घर के बाहर वह सारा खाना पड़ा हुआ था जो वह कल ले जाना चाहती थी। मालकिन, ये खाना फेंक सकती है, पर मुझे नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, उनका खाना तो उनकी ही मर्जी। मुझे पूरा विश्वास है, एक न एक दिन भगवान जी मेरी मदद जरूर करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। तू आज इतनी देर से क्यों आई?
वो मालकिन महीने का राशन लेना था तो इसीलिए वो लेकर आई हूँ, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। रिया कहाँ है? उसे स्कूल जाना है ना, मैं उसका टिफिन पैक कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे आज के पूरे पैसे काट रही हूँ। रिया का नाश्ता तेरे लेट होने की वजह से मुझे ही बनाना पड़ा, तो आज के तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे दादी के लिए दवाई लेनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्यों, मैंने तुम गरीबों की मदद करने का ठेका ले रखा है क्या? अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो पूरे 24 घंटे तुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन, मालकिन आज तो रिया का बर्थडे है ना, इसीलिए मैं उसके लिए ये सुनहरी गाय का खिलौना खेलने के लिए लाई हूँ। पूरे 100 रुपए का है। तू ही रखी ये खिलौना, समझ गई? मेरी बेटी ऐसे खिलौने लेना पसंद नहीं करती, उसे सिर्फ वही चाहिए होते हैं जो 5,000 से ऊपर के हों। तेरे इस 100 रुपए के खिलौने से वह क्या खेलेगी? अब इसे तू ही रख और जा यहाँ से, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में पार्टी शुरू होने वाली है तो सारे मेहमान आएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी गरीब को मेरे घर में देखे, क्योंकि उन्हें गरीब लोग पसंद नहीं। और मेरी बेटी अभी यहाँ आ रही होगी, इससे पहले वो यहाँ है तो यहाँ से चली जा। सौम्या परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। मैंने ये कितने प्यार से ली थी और अब मैं इसका क्या करूँ? ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या हमारी जिंदगी यूं ही गरीबी में बीतने वाली है? ऐसा नहीं है, तुम गरीब जरूर हो पर हमेशा नहीं रहोगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अरे अरे, ये गाय कैसे बोल रही है? क्योंकि मैं एक जादुई गाय हूँ, पर मुझे एक शैतान ने एक मामूली सी खिलौने वाली गाय बना दी थी। कोई अच्छा इंसान ही मुझे छूकर आजाद करा सकता था। तुम जैसे ही मुझे लाई तो मैं जीवित हो चुकी थी, और इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे आजाद करा है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होंगे। अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।